नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। मित्रों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी अवश्य लाइक करें। मित्रों आपको यह तो पता ही होगा कि अमेरिका सहित तमाम यूरोपीय देशों में हिंदू धर्म काफी तेजी से फैल रहा है, जिस कारण वहां के कट्टरपंथियों को यह बात रास नहीं आ रही और हिंदू धर्म के खिलाफ लगातार कई ऐसे षड्यंत्र किए जा रहे हैं ताकि हिंदू धर्म को किसी भी प्रकार से तोड़ा जा सके। आज हम आपको फिर से ऐसी ही एक खबर बताने वाले हैं, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मित्रों अमेरिका के मैरीलैंड में हाउस बिल के माध्यम से स्वास्तिक की गलत व्याख्या की गई, उसे बैन करने के विरोध में वहां हिंदू संगठन कैंपेन भी चला रहे हैं। अमेरिका के एक बड़े हिंदू संगठन हिंदू अमेरिका फाउंडेशन ने हिंदुओं के पवित्र प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक को बैन किए जाने के विरोध में कैंपेन चलाया है। मित्रों संगठन ने अमेरिका के राज्य मैरीलैंड में हाउस ऑफ डेलीगेट्स के एक बिल पर आपत्ति जताई है, जिसमें स्वास्तिक को घृणा की निशानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस बिल में कपड़ों, किताबों, स्कूल और ऐसे ही अन्य जगहों पर स्वास्तिक के उपयोग को बैन करने की बात कही जा रही है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मित्रों इस बिल में संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए स्वास्तिक चिन्ह को नाजियों के प्रतीक चिन्ह के समतुल्य माना गया है, जो पूर्णतया गलत है। मित्रों स्वास्तिक शब्द सु और अस्ति से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है अच्छा होना। मित्रों स्वास्तिक का उपयोग न केवल हिंदू अपितु बौद्ध और जैन भी अपने घरों, मंदिरों और पवित्र स्थानों में परंपराओं, दैनिक पूजा पाठ और विशेष धार्मिक अवसरों पर करते हैं। यह दुनिया भर के हिंदुओं के लिए पवित्र और पूज्य है। इसके अलावा स्वास्तिक व्यापार के प्रतिष्ठानों, गहनों और कलाकृतियों में समृद्धि के प्रतीक के रूप में माना जाता है। मित्रों नाजी पार्टी के प्रतीक चिन्ह हुक्ड क्रॉस से तुलना करने पर इस संगठन ने मैरीलैंड राज्य के बिल पर आपत्ति दर्ज कराई। कहा कि नाजी पार्टी ने हुक्ड क्रॉस को अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में 1920 में अपनाया था। उससे स्वास्तिक की तुलना करना पूरी तरह गलत है, क्योंकि नाजियों के हुक्ड क्रॉस से अलग स्वास्तिक शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक है। मित्रों हिंदू अमेरिका फाउंडेशन ने कहा कि इस बिल के अस्तित्व में आने के बाद अमेरिका में रहने वाले हिंदू ना तो अपने धर्म को स्वतंत्र तरीके से पालन कर पाएंगे और ना ही उसे अपनी पीढ़ियों तक पहुंचा पाएंगे। मित्रों अब देखना होगा कि आखिर आगे क्या होता है। क्या अमेरिका में इस बिल को हटाया जाता है? क्या आपको भी लगता है कि स्वास्तिक को हटाया जाना चाहिए? आखिर यह साजिश क्यों की जा रही है, इसके पीछे आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।